नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। कुछ समय पहले सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की थी और दिल्ली सरकार की तारीफ की थी, तो बहुत खुश हुए थे अरविंद केजरीवाल, खुद अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे। और विधानसभा में उसी रिपोर्ट को दिखाया जाता था, उसका हवाला दिया जाता था, उसके उदाहरण दिए जाते थे, यानी कि बहुत खुश थे कि सीएजी ने तो हमारी तारीफ कर दी है, कैग ने। लेकिन मौजूदा समय में सीएजी ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे अरविंद केजरीवाल की खुशियों में पानी फिर जाएगा। और क्या अब इस रिपोर्ट को भी विधानसभा में दिखाते घूमेंगे? क्या अब इस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करेंगे? क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, जो तो 2018 तक इन सभी कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइंस हैं वह बिछा दी जाएंगी, सीवर लाइन भी बिछा दी जाएंगी। 1797 कॉलोनी है, आप सोचिए। अब इसमें से जो सीवर और पानी की व्यवस्था हुई है उसकी संख्या है 353, आधा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, उससे बहुत ज्यादा कम। 353 1797 में 353। तो यहां बहुत ही आलोचना करी है सीएजी ने अरविंद केजरीवाल की, और यह कहा है कि सीवर लाइन ना बिछने के कारण जो घरों की गंदगी है वह नालों के द्वारा सीधे सीधे उसमें यमुना में जाके मिल जाएगी, इससे यमुना गंदी हो जाएगी, फिर उसका पानी भी खराब हो जाएगा, फिर उसे साफ करवाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा आता है। तो अरविंद केजरीवाल क्या इस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं केवल कागजों तक रह गए? यही सीएजी ने कहा है। उन्होंने कहा कि उनके अधिकतर वादे केवल कागजों तक रह गए हैं, जमीन में तो उनका कोई वादा दिखाई नहीं दे रहा पूरा होता हुआ। तो इस संबंध में अपनी राय दें, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं? क्या अपने किए हुए सभी वादों को पूरा कर पाएंगे या वह वादे मात्र कागज तक ही रह जाएंगे? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।